तो मैंने मूवी देखी इंट्रूडर्स। तो क्या ये फिल्म वाकई में एक देखने लायक हॉरर थ्रिलर फिल्म है भी या फिर नहीं, या फिर ये फिल्म बस जबरदस्ती की कोशिश है, जहां पर कुछ हद तक ये फिल्म शायद इम्प्रेस करती भी है लेकिन उतने से तो काम नहीं बन पाता है ना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो इस फिल्म की स्टोरी ऐसे है कि हमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स यानी कि एक दो बच्चे हमें देखने को मिलते हैं इस फिल्म में, दो अलग अलग बच्चे, एक लड़का एक लड़की, और उन दोनों की ज़िंदगी में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ आ चुकी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और कोई उन्हें देख रहा है या फिर कोई उन्हें ले जाने आया हुआ है जिसको वो होलो फेस का नाम देते हैं। तो क्या वाकई में कोई शैतानी ताकत थी भी या नहीं जो कि उनके पीछे पड़ी हुई थी, जिसको वो किसी को समझा नहीं पा रहे थे कि कुछ ऐसा है या वैसा, तो वो कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे या फिर इस समस्या का समाधान हो भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर उनकी जान जाने वाली है। अगर ये सब आपको जानना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म में दो अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, इन दोनों की स्टोरी देखने को मिलती है और वो किस तरीके से एक बहुत ही भयंकर एक शैतानी शक्ति से एक तरीके से वो उसका सामना कर रहे हैं और उससे खुद को बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और वो खुद को बचा भी पा रहे हैं या फिर नहीं, इसको जिस तरीके से हमें इस मूवी में दिखाया गया ना, और जिस तरीके से दोनों की कहानियाँ मतलब कभी एक बार इसकी कभी उसकी दिखाकर एक तरीके से हमें जिस तरीके से इस फिल्म को देखते हुए उलझा कर रखने की कोशिश की गई है ना, तो उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने कामयाबी तो हासिल कर ली है। लेकिन उतने से अगर बात बन जाती तो मैं यहाँ पर तारीफ कर रहा होता जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, तो फिल्म को इंटरेस्टिंग तो बना देती है पर ये फिल्म जो है ना इतनी ज़्यादा बोरिंग है, इतनी ज़्यादा स्लो है, और जिस तरीके से ये फिल्म ये सारी चीज़ें हमें दिखाती है ना वो इतना ज़्यादा बेकार है, इतना ज़्यादा बकवास है ना कि उसको आप ज़्यादा देर झेल नहीं पाओगे और एक वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा माजरा क्या है और उसके बाद तो इस फिल्म का बेड़ा गर्क ही हो जाता है। तो सचमुच ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें जिसको देखकर मुझे लगता है कि आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, ना ही स्टोरी वाइज, ना ही प्रेजेंटेशन वाइज, और ना ही फिल्म में कोई भी ऐसा सीन है जिसको देखकर आपको डर लगेगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कोई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देख रहा हूँ। एकदम नॉर्मल सी मूवी जिसको देखने का ना मज़ा आता है, एक तरीके से बहुत सारे सीन सिचुएशंस हैं इस फिल्म के अंदर जो कि एक तरीके से आपको लगेगा कि मेरा टाइम ही इसने वेस्ट किया है, इससे अच्छा मैं कोई और फिल्म देखता तो शायद ज़्यादा खुद को एंटरटेन कर पाता। यकीन मानो ये बेकार किस्म की फिल्म है जो ज़बरदस्ती का आपको उलझा कर रखने की कोशिश करती है, आपको ज़बरदस्ती का इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ताकि किसी भी तरीके से ये फिल्म आपको बांध कर रख सके, पर फिल्म में दम नहीं है, फिल्म के कंटेंट में, फिल्म की स्टोरी में, फिल्म के प्रेजेंटेशन में, और फिल्म में जो हमें हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो इतने तगड़े नहीं है कि ये फिल्म आपको स्टक करके रख पाए, तो ऐसा इस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसी वजह से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म की फिल्म लगी जिसको मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। हालांकि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, देख सकते हो, पर मेरी क्या ओपिनियन है फिल्म को लेकर मैंने आपको बता दिया। और अगर आपने इस फिल्म को देखा तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में, मेरे साथ आप कमेंट में शेयर ज़रूर करना। जोहार।